Assalamualaikum, welcome back to my channel. This is me Sadia, and today's video I'm going to share with you Instagram trending makeup tutorial. This makeup tutorial, it's really popular in nowadays, so I thought why not share with you this trending makeup look as well. And I hope you guys like this video. If you like it, so make sure give me a big thumbs up, like, share and subscribe. Don't forget to turn on the notifications bell so you don't miss my videos. Without any wasting time, let's begin this video now. सो यहाँ पे सबसे पहले मैं ले रही हूँ वर्सारली का रूज गोल्ड एक्सेलर ऑयल है. ये काफ़ी अच्छा वर्क करता है. इसको मैं इस वजह से अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि हमें जो है ना ये थोड़ा सा मेकअप ग्लोइंग मेकअप लुक भी है ना, ज़्यादा हैवी कवरेज है और बहुत खूबसूरत लगता है ये मेकअप. तो मैं सबसे पहले इस ऑयल को अपने फेस पर अप्लाई कर रही हूँ और अच्छे से अपने फेस को मॉइस्ट कर दिया है. प्लस लिप के एरिया पर भी हमें इसे अप्लाई करना है. हम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कितनी ज़बरदस्त इसमें शाइन आ चुकी है. एंड नाउ आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू यूज़ ये वाला न्यूट्रोजीना का मॉइस्चराइजिंग क्रीम है और ये ब्राइटनिंग क्रीम है. इसको भी लेके हमने फेस के ऊपर अप्लाई करना है. इसके अंदर भी काफ़ी अच्छे जो है इसके पर्टिकुलर जो कि आपके फेस को एक ग्लो देता है, आपके फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज करता है. सो ये दो चीज़ें जो है ना हमने मस्ट अप्लाई करनी है. अगर आपके पास वर्सारली का गोल्ड सीरम नहीं है तो आप कोई भी ऑयल जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं जिससे आपके फेस के ऊपर एक यानी कि एक चमक सी आ जाए, ग्लो करने लगे. एंड आफ्टर दैट जो है मैंने यूज़ करना है ये वाली लिपस्टिक जो के है वेट एंड वाइल्ड की रेड लिपस्टिक है. नंबर आई थिंक इसका 1009 है, मुझे नंबर याद नहीं आ रहा है अभी, तो मैं आपको देख के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. इसे लेके हमने चिक बोन के एरिया के ऊपर अप्लाई करना है. डोंट वरी, यहाँ पे जो है आप फिक्र नहीं करें, आप जब मेकअप शुरू करेंगे ना तब आपका काफ़ी अच्छा होगा. सो यहाँ पर जो है ना ये एक तरह का कार्टून ही आप लगेंगे जब आप ये अप्लाई करेंगे. एंड मैं बहुत ज़्यादा हंसी थी जब मैंने ये स्टार्ट किया था, तो थोड़ा सा मैं डर भी रही थी ये पता नहीं किस तरह का होगा, क्योंकि मैंने जो है ना उसी वक्त सोचा कि चलो ये मैं मेकअप ट्यूटोरियल आपके साथ शेयर करूं. एंड यहाँ पे आप देखें मैं जो हूँ जोकर की तरह चीक बोन पर अपने ये अप्लाई कर दिया है. सो आफ्टर दैट जो है ना हमने कंसीलर अप्लाई करना है. कंसीलर आप कोई भी लाइट कलर का ले लें जो आपकी स्किन से मैच करता हुआ हो, उसे हमने अंडर आई एरिया के ऊपर अप्लाई करना है. एंड उस एरियाज पे अप्लाई करना जहाँ पे आपको नीड है. सो मैं लिटिल बिट अंडर एरिया के बाद जो है ना अपनी चिन की साइड को जो है ना लिटिल बिट बस अब लिप्स की साइड को लिटिल बिट चिन की साइड को अप्लाई करूँगी, क्योंकि यहाँ पे जो है ना थोड़ा बहुत मुझे ज़रूरत थी. और मैंने इस साइड को जो यहाँ पे ना ये थोड़ा सा पिम्पल मेरा निकल आया था जिसका निशान था रखा हुआ. एंड यहाँ पर ये दोनों चीज़ें हो गई डन. सो नाउ अब मैंने जो है यहाँ पर यूज़ करना है कॉन्ट्रोरिंग. कॉन्ट्रोरिंग आपने यहाँ पर यूज़ करनी है क्रीम कॉन्ट्रोरिंग. और यहाँ पे मैं ले रही हूँ डार्क कलर का शेड और ये मेकअप एवोल्यूशन का कंटूर पैलेट है. लेके हमने इसको इस तरह से अप्लाई करना है जहाँ पे हमने अपनी लिपस्टिक अप्लाई की है ना वहाँ पे हमने एक लाइन जो है ड्रॉ करनी है. प्लस यहाँ पे जो है मैंने जॉ लाइन की जो साइट है वहाँ पे भी हमने एक ड्रॉ कर दी है. एंड मैं यहाँ पर अंडर का जो चिन एरिया है वहाँ पर भी हमने इसको इस तरह से अप्लाई कर देना है. ये जो है ऑप्शनल है, अगर आप करना चाहते हैं जैसे डबल चिन हो जिनकी तो वो कर सकते हैं ताकि आपकी चिन थोड़ी सी जो है ना वो हाइट हो जाए. एंड यहाँ पे मैंने फोरहेड के साइड को भी किया है. अच्छा फोरहेड जो है ना मेरा इतना बिग नहीं है तो मैं उसको इसी तरह से ही रहने दूँगी. एंड यहाँ पे देखें हो चुका है ये डन. एंड अब जो है हम इसे ब्लेंड कर देंगे. ब्लेंडिंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये वाला ब्रश जो कि रोज़ गोल्ड का ब्रश है, जिसका मुझे जो सॉरी नेम नहीं याद आ रहा कि कौन सी कंपनी का है. एंड इसको लेके बस हमने अच्छे से ड्राई एरिया पे ब्लेंड ही करना है. मेक श्योर कि आपकी जो लिपस्टिक है ना वो इसके साथ अभी अटैच ना हो, टच बिल्कुल भी ना हो. आप इसके लिए ब्यूटी ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हो या फिर कोई छोटा सा ब्रश भी यूज़ कर सकते हो. नाउ आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू यूज़ दिस मैबलिन का फाउंडेशन है जो कि स्टे कवर फाउंडेशन है. ये मैट फिनिश है, काफ़ी ज़्यादा मैट है ये फाउंडेशन. एंड इसको लेके मैंने जो है अप्लाई किया है अपने फेस पे. लाइक आप देख सकते हैं मैंने लिपस्टिक का जो एरिया है वहाँ पे अप्लाई किया है फोरहेड पे एंड ऑल ओवर द फेस लाइक ड्रॉप ड्रॉप के साइड से किया. और यहाँ पे आप देख सकते हैं जब मैं इसको ब्लेंड कर रही थी ना तो ये किस तरह से ये ब्लेंड हुआ है. लिपस्टिक जो है लग गई है पूरे फेस पे. सो डोंट वरी, ये जो है आप हल्के हल्के स्लोली करेंगे ना इसके ऊपर आपने सारा एवरीथिंग जब आप सेट करेंगे तो ये बहुत अच्छा ये होता है.
सो आपने इस पॉइंट पे आके ना डरना बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी डरना नहीं है, बिकॉज़ ये जो है ना, जब आप इसको इस तरह से ब्लेंड करेंगे तो आपके चीक पे सारी जगह पे रेड रेड कलर की लिपस्टिक टाइप की हो जाएगी, तो आप लोग थोड़ा सा हो जाओगे, लेकिन बिल्कुल भी नहीं डरना, क्योंकि ये जो है ना अच्छे से सेट हो जाएगा जब आप इस पर लूज़ पाउडर अप्लाई करोगे, ब्लश पर करोगे, ब्राउन्जर करोगे, तो ये सब कुछ अच्छे से सेट हो जाएगा। सो हमने इसको अच्छे से ये कर दिया है ब्लेंड। मेक श्योर जो भी आप फाउंडेशन चूज़ करें ना वो आपकी स्किन से मैच करता हुआ हो, एंड मैं भी प्रेफर करूँगी कि एक स्किन लाइट जो हो ना वो आप इसको यूज़ करें। तो यहाँ पर आप देखें कि ये अच्छे से हो गया है ब्लेंड, और अब जो है मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ हमारा ये वाला लूज़ पाउडर जो कि कैसे का है। एंड अच्छा, मेरे पास ना लूज़ पाउडर जो है ना काफ़ी सारे थे, तो वो फिनिश हो गए हैं। सो मैं इंशाल्लाह आने वाले डेज में लूज़ पाउडर की शॉपिंग करूँगी, तो ज़रूर आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी अगर मैं आउटसाइड गई तो। सो यहाँ पर जो है मैंने लूज़ पाउडर लिया है एंड अपने फेस के ऊपर लिटिल बिट मैंने अप्लाई किया है, एंड बस टैप टैप करके हमने इसको अच्छे से अपने ऑल ओवर द फेस कर देना है। यहाँ पे ये सेट हो गया है, एंड आफ्टर दैट मैं यहाँ पे ब्यूटी ट्रीट का ये वाला ब्रॉन्जर पैलेट ले रही हूँ, एंड इसको लेके हमने अपने चीक बोन के एरिया पे अच्छे से अप्लाई करना है ताकि ये ब्रॉन्ज हो जाए हमारा फेस। बहुत प्यारा ये पैलेट है, मुझे अच्छा ये ब्रॉन्जर पैलेट ना सिर्फ मेरे पास यही वाला है क्योंकि मुझे बहुत पसंद है और काफ़ी अच्छा ये जो ना वर्क कर देता है। सो यहाँ पे बस हमने इसको अच्छे से अप्लाई करना है, फोरहेड के एरिया पे अप्लाई करना है, एंड जॉ लाइन की साइड को हमने इसको अच्छे से अप्लाई करना है। एंड आफ्टर दैट जो है ना मैं यहाँ पे इसी सेम पैलेट से ले रही हूँ ब्लश ऑन, और ये पीच कलर का ब्लश ऑन है, इसको भी लेके हमने अच्छे से अप्लाई करना है अपने फेस के साइड को। एंड देन जब ये सेट हो जाएगा तो हमने इसके बाद यूज़ करना है हाईलाइटर, सेम पैलेट से हाईलाइटर ये वाले कलर का ले रही हूँ जो कि काफ़ी ग्लोई हाइलाइटर है। सो यहाँ पे इसको लेके सेम ब्रश से जो है ना मैंने इसको कर दिया है हाइलाइटर अप्लाई कर दिया, ब्रश जो है वो मैंने क्लीन किया हुआ है, डोंट वरी सेम ब्रश यूज़ कर रही हूँ। तो और अब जो है आईज़ का मेकअप की तरफ आ जाते हैं। आईज़ के लिए जो है ना मैं ब्यूटी क्वीन की ये वाली आई पैलेट यूज़ कर रही हूँ, इसमें से मैंने लिया है लाइट पिंकिश सा, बहुत प्यारा सा ये कलर है, शैम्पिन कलर है ये, और इसे लेके मैंने अपने आईलेट एरिया पर अप्लाई किया है। दैट्स इट, मैंने और कुछ नहीं अप्लाई करना, कोई भी डार्क शेड, कोई भी नहीं यूज़ करना। अगर आप चाहें तो ब्राउन लाइट ब्राउन कलर यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे यही यूज़ कलर किया है। आफ्टर दैट जो है मैं अपनी आईब्रोज़ को बनाने लगी हूँ, आईब्रोज़ के लिए कैटरिक्स की आईब्रोज पेंसिल यूज़ कर रही हूँ, एंड जब ये सेट हो जाएगी तो हमने दूसरी आईब्रोज़ को भी अच्छे से सेट करके डन कर दी। सेकेंड आईज़ का भी हमने आईब्रोज़ को कर दिया है डन, और अब जो है मैं यहाँ पे आईलाइनर अप्लाई करने लगी हूँ। आईलाइनर के लिए यूज़ कर रही हूँ एसेंस का ब्लैक आईलाइनर, ये आईलाइनर मुझे बहुत पसंद है, तकरीबन मुझे इसे यूज़ करते हुए 6 to 6 years तो हो ही गए हैं, काफ़ी अच्छा ये वर्क करता है और मुझे बहुत बहुत पसंद है ये आईलाइनर। और अब जो है मैं यहाँ पे आईलैशेस अप्लाई करने लगी हूँ। आईलैशेस के लिए मैं अमेज़ोन की आईलैशेस यूज़ कर रही हूँ, इसका रिव्यू ऑलरेडी है मेरे यूट्यूब चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आई कार्ड पर चेक कर लीजिएगा। एंड देन आफ्टर दैट मैं यहाँ पे लॉरियल की ये वाली पीच कलर की लिपस्टिक मैं अप्लाई करूँगी, और यहाँ पे मैं दो शेड लूँगी, एक ये क्रीम कलर का जो कि बहुत प्यारा सा कलर है, एंड देन अगेन वही रेड कलर की लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ जो मैंने पहले यूज़ की थी अपने चीक्स पे। एंड ये बस मैंने बहुत लाइटली सा यूज़ करना है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रेड कलर की लिपस्टिक है, इसको बस मैंने अप्लाई कर दिया। एंड यहाँ पे हमारा हो गया है मेकअप डन, और आप देख सकते हैं ग्लो कितना अच्छा फेस के ऊपर आया है। सो यहाँ पे मैं हेयर डन करके आती हूँ। सो वेलकम बैक गाइज, एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे हो चुका है मेकअप डन, और देखें कितना अच्छा ये जो है ना सेट हुआ है। एंड यहाँ पे मैंने एडिशनल कोई भी चीज़ और ऐड नहीं की है, जो आपके साथ ट्यूटोरियल शेयर किया है वही सब कुछ इसमें ऐड हुआ है, और आप देखेंगे कि बहुत अच्छा ये हुआ था। ज़रूर इस मेकअप ट्यूटोरियल को शेयर करिएगा, एंड ज़रूर मुझे कॉमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरा आज का वीडियो जो है वो किस तरह का लगा है। And that's all guys, and I hope you guys like this video. If you like it, so make sure give me a big thumbs up, like, share and subscribe. Don't forget to turn on the notifications bell so you don't miss my videos. I'll see you later on my next video. Till then, Allah Hafiz. Bye bye.